बड़े बड़े सपने, छोटी छोटी बातें, हमेशा एक क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे लिए। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह हो गई है और अभी फिलहाल 11 बज चुके हैं। तो आज का प्लान मेरा पूरा फ्लॉप हो गया। कल मैं रात में अपने गली के नुक्कड़ पे बैठा हुआ था, काफ़ी देर रात तक बातें चली दोस्तों के बीच में। मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आज मैं बाहर जाने वाला था, तो संडे मेरा जबरदस्त होने वाला था और मम्मी के साथ भी बाहर जाने वाला था, तो आज दोनों के दोनों प्लान कैंसिल हो गया, मैं लेट भी हो गया था, इसलिए आज मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। और मेरा बेस्ट संडे हो सकता था आज का, वो संडे खराब हो गया। ये पहला संडे होता जब मैं बाहर जाता, कहीं ब्लॉगिंग करता, थोड़ी लोगों से मिलता घुलता, थोड़ा अच्छा लगता मुझे, बट आज पूरा फ्लॉप हो गया। तो हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। आज के ब्लॉग में मैं अपना फिलहाल प्लानिंग कर लेता अपने इस वीक में कहाँ कहाँ जाना है, नागपुर में किस किस जगह पर एक्सप्लोरिंग करना, वो सारी चीज़ें की जा रही है। नागपुर तो एक्सप्लोर करना है अभी, नागपुर के बाहर चले जाएंगे फिर किसी दिन। फिलहाल नागपुर तो स्टार्ट कर चुके हैं, नागपुर एक्सप्लोर करते हैं, है ना। चलो लिस्ट बनाता हूँ पहले, तो किस किस जगह पर जाना है, फिर उसके बाद एक लिस्ट आपके लिए सरप्राइज होगी, ठीक है। चलो, सब कुछ होने के बाद हर में से एक चीज दिमाग में आती है कि मैं क्या मेरी ब्लॉगिंग में जो बातें कही जाती है वो एक कहानी की तरह होती है। कहानी कहानी जो हमेशा मेरे दिमाग में चलती है। प्लान जो है कैंसिल हो चुके हैं, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, ब्लॉगर बनना, ट्रैवलिंग ब्लॉग करना। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, उस समय बहुत सारे किस्से होते हैं, उन किस्सों को प्रॉपर तरीके से सुनाने के लिए तो आपको कहानीकार होना चाहिए जो कहानी सुनाता हो। तो बस मेरे दिमाग में भी यही बात कि मुझे भी एक कहानीकार बनना है, किससे जो मैं यात्रा के समय, जो ट्रैवल करते समय सुनता हूँ, जो देखता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, उन्हें मैं लोगों को सुना सकूँ, मैं अपने वीडियो में दिखा सकूँ। पर आज भी एक चीज कम पड़ती है, वो कहानी का। मुझे हर वक्त एक नई कहानी की तलाश रहती है। और क्या मैं इसीलिए ब्लॉगर बनना चाहता हूँ? जब मैं ऐसा कहूँ, ये वीडियो का आखिरी पार्ट होगा और कहानी की शुरुआत। मैं अपने बचपन में नॉर्मली अपने स्कूल से जब भी मौका मिलता था मैं भाग जाता था, क्योंकि मैं कभी होमवर्क करके नहीं जाता था। तो हाँ, जिस दिन पिटाई होने वाली रहती थी उस दिन हम लोग जैसे मौका मिला वहां से भाग जाते थे। और भाग कर जाते कहाँ थे? अपने दोस्तों के घर पर। हर शाम अपने घर वालों को पता चल जाता था और उसके बाद जो होता था वो गजब होता था। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।